हाय फ्रेंड्स, आप देखें नवीन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। आज हम आपके लिए लाए हैं जार, जो कि हम न्यू जार को असेंबल करेंगे और इसमें क्या पार्ट्स लगते हैं बताएंगे। ये हो गया इसका जार और नीचे हो गया इसका सॉकेट। सोलो सॉकेट बोलते हैं इसे, आप मार्केट में सोलो सॉकेट बोल के जार का ले सकते हैं। और इस स्टील का जो जार है, इसमें नीचे से लगा के इसमें एक गोल सा ये जो नट दिया है उसे टाइट कर देना है, प्लायर के माध्यम से टाइट कर देना है। इसका रिंच भी आता है, उससे भी आप टाइट कर सकते हैं। और ये प्लायर से इसे टाइट कर दे रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है आपको, खूब अच्छी तरीके से, नहीं तो ये घूम जाएगा। पूरा ताकत लगा के इसको टाइट करना है। ये इस देखिए, इस तरीके से ये टाइट हो जाएगा। उसके बाद ये स्पेंडल आ जाएगा इसका, मीडियम साइज ले लीजिए। और ये ब्लेड ले लीजिए, चार पत्ती का। और ये किसका नाभ आ जाएगा, स्टील का नाभ आता है, अच्छी क्वालिटी का नाभ ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी का ब्लेड और एक स्पेंडल अच्छी क्वालिटी का। इसको प्लायर के माध्यम से उल्टी चूड़ी होती है टाइट कर देना है। और नीचे आपको दो तीन वार्सल लगा लेना है ब्लेड के नीचे, उसमें डाल के दो तीन बार घुमा लीजिए, अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। ये हम तीन वार्सल इसमें डाल दिए हैं, तीन वार्सल ऊपर डालना है और तीन वार्सल नीचे कर दीजिए। इससे क्या होता है, जो लीकेज होती है वो नहीं होती है वार्सल लगाने पे। और उसके बाद ये आपको फोर लेग का कपलर इसमें लगा देना है, उल्टी चूड़ी होती है, पहले आपको इसमें अच्छे तरीके से बैठाना है, फिर घुमा दीजिए, बहुत आसानी से लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जार बनके रेडी हो गया। ये जार आप घर बैठे बना सकते हैं। नवीन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।